उसको पहले कहीं सॉल्व लिखवाना है कहीं कैसे वो। क्योंकि तुम लोगों ने अधिकतर लोगों ने स्पीच में जब अपना अपनी हॉबीज बताई तो एक ने ईटीसी बोल दिया था, एक ने एटसेट्रा एटसेट्रा बोल दिया था। बड़ा ही पुराना लगता है, प्राची उसकी जगह चल रहा है सो। चलो तो एक बार इसको तुम्हारी जुबान से निकलवाने के लिए फिर से पूछ लेते हैं। व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन। खुश हुआ वाईफाई Have you written this? Should I ask the next question? क्या मैं अगला सवाल पूछूं? So the next question goes to you. What should be the second point? The second point should be formula. क्या हुआ है सर? बिल्कुल सही। नाम क्या है बसंती? एक बार फिर से, व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट शुड बी फॉर्मूला। दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? दूसरा बिंदु होना चाहिए। दिव्या तुमने वीडियोस देख लिए क्या हमारे? माँ कसम खा। Have you written this? Yes, I have written. Should I ask the next question? Yes, sir. Good. Thank you. So the next question goes to you. What should be the formula? So the check. The formula should be वेरी नाइस। अगर आपने पूरा गलत जवाब दिया है तो भी वेरी नाइस, क्योंकि आपने इंग्लिश तो बोली ठीक, भले ही आपका उत्तर गलत। एक बार फिर से, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? द फॉर्मूला शुड बी सब्जेक्ट प्लस वर्क प्लस बच्चों, इतने दिन में तुम लोग बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, और जो नए हैं जिनका बाद में एडमिशन हुआ है वो कुछ और समय में उस चीजों को समझ लेंगे। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं पारंपरिक, तो तुम लोग को थोड़े समय के लिए वो अजीब लगेगा, लेकिन अब वो तीन उंगली वाले नियम तुम लोग अच्छे से समझ गए हो क्यों हमने, तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ तुम नया देखने जा रहे हो। और एक निवेदन और है, V1 या पहला रूप बोलने की जगह फर्स्ट द वर्ब बोल लो, ठीक है? बोलो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब।
है ना, ऐसा बोल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ये सबसे बड़ी सुविधा है बच्चों, लेकिन यही सबसे बड़ी दुविधा का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की आदत हो जाती है, ये जबलपुरिया भाषा में बोले तो खुजली होती है, और फिर उसके कारण सेंटेंस गड़बड़ होता है, सॉरी होती है, और फिर अपन डिसअपॉइंट होते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधे वी वन आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अब जो ये तुमने पहले से जो सीखा हुआ है उसका प्रयोग हम बाद में समय आने पर बताएंगे, विस्तृत रूप से करेंगे। अच्छी बात है तुम्हें जितना याद है, दिस इज वेरी गुड, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका सेंटेंस बन जाएगा, मतलब जहां हम शुरुआत करते हैं वहां इतने में बन जाएगा। और एक खुशखबरी हम उन बच्चों को देते हैं जिनको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, या जिनसे जिनको लगता है इंग्लिश कठिन है, जो अंग्रेजी से पहली बार परिचित हो रहे हैं, ये लोग जो बिल्कुल एकदम शुरू से आए थे उनका डर एकदम चला गया है, उनको डर नहीं लगता है। लेकिन जिनको लगता है वो सुन लीजिए, जिनका लेट एडमिशन है, इन दो चीजों को लगा डाला तो लाइफ, ये मजाकिया रूप में हमने बोला है लेकिन ये है बिल्कुल सही। आपको कोई हिंदी वाक्य बनाना है, हिंदी से इंग्लिश करना है, तो पहले उस हिंदी वाक्य के अंत के दो शब्द, एक नहीं, अंत के दो शब्द ध्यान से देखिए, और जैसे ही अंत में पहचान दिखे कि ये वाला टेंस है, वैसे ही उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी जो तुमसे गलती हो रही थी ना, तुमने बिना किसी चैप्टर को उठाए सेंटेंस बना दिया, गलत हो गया। अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता होती तो तुम्हारा सेंटेंस सही होता, उनको पता थी उनका सेंटेंस सही होता। तो बस इतना सा आपको करना है, ये वास्तविक चीज है, इन दोनों को सही ढंग से लगा डाला तो लाइफ ठीक है। अभी देखते हैं अपन कैसे। और बच्चों एक बार हम फिर बता दें, मैं बच्चों के हिसाब से अपनी प्रोसेस में अपन पहले कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी का या इंग्लिश का? इंग्लिश का पहले बनाते हैं, उसके बाद हिंदी करते हैं। और तुम्हें समस्या मालूम कहाँ आती, तुम पहले हिंदी सोच लेते हैं, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम होती है। पहले इंग्लिश बनाओ, हिंदी मत सोचो, उसके बाद देखो कि उसका हिंदी क्या निकल रहा है। अब इसमें हम एक उदाहरण देके बता देते हैं। अपन हमेशा पहला सब्जेक्ट कौन सा रखते बच्चों? आई। पहला राउंड अपन आई से शुरू करते हैं, फिर दूसरे राउंड में चेंज करते हैं। तो अपन ने एक सब्जेक्ट ले लिया आई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? तो क्या रखेंगे? अब अपन ने रख दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, सेंटेंस पूरा बन गया, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन होता क्या है, बच्चों को लगता है अधिकतर, अरे ये कोई सेंटेंस तो अधूरा सा लग रहा है, और वो चक्कर में घुसेड़ देते हैं इज एम और आर। तो इसमें कहीं इज एम आर है? जैसे हमारे अभी अपन ने कहा सीखा है, बी प्रेजेंट में सीखा है ना, और इसके पहले आए नहीं है, तो ये बी प्रेजेंट है क्या? इसलिए इसमें ऐसे हमारा नहीं आएगा,
अब सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है, आई गो, लेकिन पूरा सेंटेंस मैं जाता हूं, हाँ आपको अधूरा से लगता है, लेकिन अगर हम इसमें एक एक्सटेंशन लगा दें तो फिर आपके पेट में गुड़गुड़ नहीं होती, फिर आप संतुष्ट हो जाते हो। हम एक एक्सटेंशन लगा दे रहे दादा, ठीक है, हाँ अब अच्छा लगता है। मैं बाजार जाता हूँ, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, ठीक। इस टेंस का प्रयोग बच्चों दिनचर्या के कामों में होता है। दिनचर्या समझते हो, रूटीन, हाँ डेली रूटीन उसमें होता है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये लोग सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है। फिर मैं ब्रश करता हूँ, उठता हूँ, फिर मैं मुंह हाथ धोता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, गर्म मीठा पीता हूँ, या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीता हूँ, है ना। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, तैयार होता हूँ, स्कूल कॉलेज दुकान ऑफिस जाता हूँ। पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात में सोने तक इसमें आ जाता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है आदतों के लिए, काय के लिए, हैबिट्स के लिए। कैसे, मैं गुटखा खाता हूँ, उसके दादाजी सुबह टहलने जाते हैं, उसकी मम्मी बिना नहाए चाय भी नहीं पीती है या बनाती है, दोनों सही है, आदत है वो, ठीक है ना। उसकी दादी सबसे पहले पूजा करती है, तो या उसके पिताजी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, करती है उसकी मम्मी हनुमान चालीसा करती है, आदत में है, ठीक है। तो आदतों के लिए इसका प्रयोग होता है, दो हो गया। पहला कौन सा, दिनचर्या डेली रूटीन, दूसरा और तीसरा प्रयोग इसका होता है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। एक बार हमारे साथ बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी भी हमारे साथ बोलो, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य कौन कौन से है, सूर्य पूरब से उदय होता है, होता है पश्चिम में अस्त होता है, डूबता है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य, ठीक है ना, ओके। इनके लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब हम यहां से राउंड शुरू कर रहे हैं, जो नए हैं वो सुन ले, सब लोग सब्जेक्ट आई ही रखेंगे और मौलिक यानी अपना खुद का, जिसपे तुम्हें गर्व होगा कि तुमने जो वाक्य बनाया अपना बनाया, किसी की नकल नहीं की, सर की नकल नहीं की, रटा नहीं, अपने मन से बनाया, राइट ब्रेन से बनाया, तो वो आपको क्या बदलना होगा, वर्ब सबको बदलना होगी, ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से रखिएगा अगर जरूरत हो तो, एक्सटेंशन आप अपने मुताबिक रखिएगा। कुछ एक्सटेंशन हम बता दे रहे हैं और हम फटाफट बता देंगे तो तुम ये मत सोचना अरे सर आपको तो सब पता है इसलिए आपने फटफट फटफट बोल दिया, हम कैसे रखेंगे। तुम दूसरे को सुन के रखो, इस क्लास में अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी, दूसरे को सुनना, फिर उसमें से कोई एक जो याद हो वो रख देना। एवरी डे ये बड़ा अच्छा लगता है प्रेजेंट से।
प्रतिदिन रेगुलरली समटाइम्स एवरी सैटरडे, जैसे मैं हर सैटरडे को सुंदरकांड करता हूँ। तुम लोग आने वाली थी, नए आए थे। यूजुअली आप उसको यहाँ पे भी रख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले, यूजुअली को सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं, समटाइम्स को सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं, जनरली आमतौर पे, यूजुअली आमतौर पे, ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द रख देना या एवरीडे रख देना, डेली मत रखना, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता, बहुत पुराना हो गया, एवरीडे रखना उसकी जगह, ठीक। शुड वी स्टार्ट? यस सर। तुम नहीं हो तो सुन लेना, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो ये वर्ब रखेगी या जो ये जब वो पर वो नहीं आना चाहिए। और बच्चों इस क्लास में दो क्रियाएं कौन कौन सी प्रतिबंधित है? ये नहीं का प्रयोग नहीं करना, ठीक, कोई सी भी क्रिया रखना, और पहला दिन है नहीं बनेगा कोई बात, और भी लोगों से नहीं बनेगा तो भी कोई बात, ये भी लोग मैं आपसे सहमत हूँ। तुमने विथ लगाया क्या? नहीं। I play too. Sorry. ये सॉरी का मतलब है आपने कहीं व्याकरण की गलती। इस क्लास में जैसे सॉरी बोला आप सब बताने की नहीं होती इस क्लास। I play every Sunday. तुम अच्छा तो रख रही थी एक ऑब्जेक्ट, क्यों हटाती है? चेस रख लेते हैं। और विद भी लगा दो, विद के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा दो। आई प्ले चेस एवरी संडे विद माय फ्रेंड। अभी मैंने क्रम बदल दिया तुम कर। आई प्ले चेस विद माय फ्रेंड एवरी संडे। सबसे बर्बाद है एक बार। I play chess with my friend every Sunday. मैं अपने दोस्त के साथ हर संडे चेस खेलता हूँ। I play chess. क्या हो गया? निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया। With क्या हो गया? प्रपोजिशन। मुन्नू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, जीवित ऑब्जेक्ट। Every Sunday. अब देखो अनुवाद कैसे होता है। मैं हर संडे को मुन्नू के साथ शतरंज खेलता हूँ। I comprehend good things every second. Very nice. अच्छा extension है। अच्छी वर्ब रखी। अगर तुम उससे पूछ लोगी कि इसका हिंदी क्या है, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं हर सेकंड अच्छी चीजें आत्मसात करती हूँ। अच्छा। थैंक यू। हम सबको एक एक दंड देने ही वाले थे, तुमने कंप्लीट द प्रोसेस बोल के बचा लिया। बच्चे ये पुस्तक पढ़ा है? यस। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट। आई सिट इन गणेश टेम्पल। मैं गणेश जी के मंदिर में बैठता हूँ। बढ़िया सेंटेंस। समटाइम्स आई डांस। मैं कुछ मतलब अच्छा, समटाइम्स का हिंदी नहीं कर सकते, किसको पता है? तुम्हारे लिए बोलिएगा I dance sometimes. मैं कभी-कभार डांस कर लेता हूँ। हमने एक शब्द बस बदला लेकिन वो व्यावहारिक लगेगा। लेता हूँ, आखिरी में ताहूं ही आया है ना, लेकिन बिल्कुल ऐसा प्लेन सा नहीं बना, थोड़ा सा भाव आ गया। हाँ, कभी कभार मैं डांस कर लेता, कभी कभार मैं बियर पी लेता, वैसे रोज नहीं पीता, तो ये व्यवहारिक हो गया। I take milk after brush. बच्चों कोई बता सकता है आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन। थैंक यू यार। और जो हमें हिंदी बता रहे थे उनको तो उनका तो मैं आभारी हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि आफ्टर को क्या होता है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, फ्री में सिखा रहे थे। हम तो 1500 रुपए लेके सिखाते हैं, फ्री में सिखाते। बच्चों एक ऐसा नियम लिखवाते हैं, हम बॉक्स में रखते हैं, याद है? यहाँ प्रपोजिशन लिखते हैं और यहाँ प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, देख लो, खोल के देख लो कहाँ लिखो है तुम्हारा। नहीं लिखो? अरे हम देख रहे थे उस दिन, सब लिख रहे थे, बता दो। कौन लिख रहा है? बताओ फटाफट। देखो लिखे में ये होता है ना? बोला बीच में ऑलवेज भी लिखा था। इनसे लिखा होगा हे प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। ये सेंटेंस किसने बोला था पता है? बहुत फेमस है, यीशु मसीह ने बोला था जब उनको ऐसे कीलों से लटका दिया गया था क्रूस पर, तब उन्होंने बोला था कि ये जो मुझे लटका रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इन्हें माफ करना प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर। समाज में जो बुराइयां चली आ रही थी उसके विरोध में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पूरे समाज को लगा ये जो समाज के तथा कथित पिता होते हैं ना दबंग लोग, उनको लगा यार ये तो हमारे इतने दिनों से ये समाज हमारे साथ से चल रहा है मस्त, और ये इनको नई नई बातें सिखा रहे हैं,
जैसे मान लो हम गांव में चले जाएं और बोलने लगे कि घर की सारी महिलाएं जींस पहने, लेगीज पहने, साड़ी वाड़ी पहनना बंद कर दे, तो गांव के जो वो है ना अरे मार डाले लट्ठा। तो वैसे ही उन्होंने बदलने की कोशिश की समाज को, इसलिए उन्होंने सूली पर, सूली बोलते हैं उसको, सूली पर चढ़ा दिया और फिर वो उन्होंने बना जन्म लिया, इसलिए वो भगवान थे, वो एक सामान्य इंसान थे। ओके तो भैया प्रपोजिशन लगाओ है तुमने, नाउन बना दो, रिक्शे वाला भी बना ले। एक सेकंड, I take milk after brushing. मैं ब्रश करने के बाद दूध पीता हूँ। बन गया नाउन। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन ले कि वर्ब में नाउन बन जाता है। बोलो भारत माता की जय। I water my plants on alternate days. Very nice. थोड़ा सा सुधार कर दो। I water my plants. My plants क्या है? Object को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो तो क्रिया है। जो काम हो रहा है, जब हो रहा है। तुम अपनी टॉपिक को ले लो ना, हम बोल लो। क्रिया का जिस पर असर हो उसे कर्म कहते हैं। एक सेंटेंस बोल दो। दुनिया का बड़ा फेमस सेंटेंस है, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग को पहले ही से प्रैक्टिस है। बोलो आई लव यू। सर पढ़ते हैं ना, एक बार में नहीं पढ़ता होगा लेकिन नियमित रूप से बोलते रहो तो असर पड़ता है ना। घरेलू गलत में बेचारे फैमिली क्या है, जाती रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो क्रिया कर रहा है आई और क्रिया कर रहा है लव, असर पड़े ना पड़े है ना, असर पड़ता है। कभी कभी पॉजिटिव पड़ता है, कभी कभी नेगेटिव पड़ता है, असर जरूर पड़ता है, बोल के देख लेना। अरे सर, यस सर, बोल के देख, असर जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप बोलते हैं आई लव यू तो सामने वाले पे असर पड़ता है, और जब वो रिस्पॉन्स देता है तो किस पे असर पड़ती है? तो ये वाला कार्य किसने किया? सामने वाली ने। असर किस पे पड़ा? जिस पे पड़ा, वो कर्म है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कर्ता क्रिया का जिस पे असर पड़े वो ऑब्जेक्ट है, ऐसे याद रखना, जब भी भूल जाओ तो ऐसे रख लेना। चलो ठीक है, हम एक शब्द बदलने वाले थे। आई वाटर द प्लांट्स अल्टरनेटिवली। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन पौधों में पानी डालता हूँ।
morning, an image. Good morning. I made mistakes once a week. अरे यार तुम लोग गुड मॉर्निंग जो आंसर बोलते हैं वो लिखा है? Yes, sir. चलो हम तुमसे बोलते हैं, एक मिनट एक राउंड रोकते हैं. गुड मॉर्निंग, जागो. बेटा एक सेकंड सुनना, आज थोड़ा सुधार ले इसको. गुड मॉर्निंग मत बोलना, देखो दबा के बोलो. गुड मॉर्निंग. अभी एक एक करके ऐसे भाई बोला. भाई गुड मॉर्निंग. दंड जैसा है नहीं, तुम जानते हो जो नए लोग हैं उनको इंटरेक्टिविटी हम ठीक है जो वन डी योर रिट्स आर बोन्स आर कूल गैदरिंग. तुम्हारी अपने खास चल रही है, इसीलिए ये हमने प्रोसेस बनाई है कि तुमने लिख तो लिया है उच्चारण. एक बार बोलो. Your wits are gone. भूल गए थे. तुम्हारी अकल घास चरने गई. Don't poke your nose into others' matter. दूसरों के खटे पे काम मत करो. हमने कर्म नहीं लिख पाया था, नहीं हम उसमें ऑब्लिक लिखवाते नहीं है. कुछ हिंदी हम चाहते हैं कि तुम्हारी जुबान पे कुछ अच्छी हिंदी, मतलब मुहावरा है तो मुहावरेदार हिंदी आना तो चाहिए उसको. कम अगेन बेटा, ये तो ट्रक के पीछे लिखा देखा है कई बार, ट्रक्स के पीछे. अच्छा तो मैं नहीं पता. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. वाह ये पुराना वाला है, याद आ गया. कंप्लीट द प्रोसेस. नाउ रिपीट आफ्टर मी. योर रिट्स आर गोइंग. सर उसने भी बोला हमारे साथ. बोले सेकंड बार मैं Strike while the iron is hot. अफसर का लागू था. Very good.
वेल रन इज हाफ डन अच्छी शुरुआत फलदायी होती है आई मेड मिस्टेक व्हेन स्टडी मैं दिन में एक गलती करता हूँ बोलेगा He makes mistake once a day. वो दिन में एक बार गलती करता है तुम कुछ अलग हट के बनाना चाह रही थी अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस तो नहीं बना क्योंकि उसने अच्छे से सो समझ के नहीं रखा दोस्तों कुछ सेंटेंस बहुत अच्छे बने प्रैक्टिकल और कुछ अब ये छोटी है अभी इसमें सेंटेंस अच्छा नहीं बना पाए खाली एक शब्द से भी अंतर पड़ता है बोलिएगा आई लिसन म्यूजिक व्हाइल स्टडी मैं पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनती हूँ आई वर्क एवरी डे आई वर्क एवरी डे विद होम घर के साथ कहाँ रहते घर टू रूम दो घर है दोस्तों प्रपोजिशन के बारे में कुछ बोला था ना क्या बोला था कभी कभी हमें लगता है कि राधा ने भले ही और कुछ न सिखाया हो प्रपोजिशन लगाना माँ के सम ऐसे कि बिना उसके बना ही नहीं पाते बस वो दिया है तुम लोग कट योर कोट कंप्लीट द प्रोसेस मैं प्रतिदिन कार खरीदता हूँ अब इन्होंने भी इन्होंने क्या किया वर्क क्रिया पकड़ ली और रंगी उठा एक शब्द बदल में देखना प्रैक्टिकल बन जाएगा ही वर्क्स ऑनेस्टली वो ईमानदारी से काम करता है कितना अंतर हो गया उसको ऐसा लगा कि एवरीडे लगाना जरूरी है क्या हुआ तुम्हारे बाद उसने पट्ट से एवरीडे लगाया वो एवरीडे को पकड़ के बैठे जबकि और भी बहुत सारे हमने बताए थे तो चलो अब हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने अलग अलग जो हमने शब्द बताए थे वो सुने हो या पहले से मालूम हो वो रख के बताओ सेंटेंस अभी आई से ही बनाना Usually I repair my computer once in a month. Very nice.
कंजंक्शन है जो शुरू में लगता है. बोलिएगा यूजुअली. यूजुअली. आई. आई. रिपेयर. रिपेयर. माय कंप्यूटर. माय. देखो रिपेयर करने की क्रिया हो रही है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, और ये क्रिया कौन कर रहा है? यूजुअली. यूजुअली. आई. आई. रिपेयर. रिपेयर. माय. माय. कंप्यूटर. रिपेयर की जो है सर्विस एक अच्छा बिल्कुल जो प्रैक्टिकल है तुम लोग के जुबान पे भी है लेकिन अभी नहीं आ रहा, लगा दे. यूजुअली. यूजुअली. आई. आई. फॉर्म इट. फॉर्म इट. माय कंप्यूटर. माय कंप्यूटर. वन सिनेमा. वन सिनेमा. करते ही होगे भाई, एक महीने में नहीं करते हो तो दो तीन महीने में करते ही हो ना. कुछ लोग खुद कर लेते हैं, कुछ लोग 300 रुपए देके करवाने जाते हैं. तुम में से हाथ उठाओ कौन खुद कर लेता है. तुम भी कर लेते. हमने कई छोटे बच्चों को देखा है, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने आप चला चला के. जैसे हमारा बेटा, उसने कहीं कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली लेकिन, और मैडम ने कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन की सीखा था, मतलब आज से 15-20 साल पहले जब आया, लेकिन हमारा बेटा इतना एक्सपर्ट हो गया है चलाते चलाते कि कई बार उससे पूछना पड़ता है कि ये यहाँ क्या कर रही है. हाँ, एक्चुअली बच्चों को, बच्चे इसलिए जल्दी सीख जाते हैं कि वो इतना सा था 3-4 साल का था, टेबल पर बैठ के कंप्यूटर चलाते, क्योंकि चेयर तो बहुत नीचे हो जाएगी, छोटा सा था तो उसी पर घुस जाता था बिल्कुल, कुछ भी करता रहता क्योंकि उसको कीमत नहीं पता है. अपन क्यों संभाल संभाल के करते हैं, क्योंकि अपने को लगता है कि महंगा है, गड़बड़ ना हो जाएगा. अब उसको तो ये सब मालूम नहीं होता, लगे पड़ा तो जल्दी सीख के. ओके, यूजुअली का अच्छा प्रयोग हुआ, जिस जिसने सुना वो और यूज कर ले. अच्छा, तुम एवरीडे पर नहीं जा रहे बेटा. एवरीडे तो खूब यूज हो गया. हमने बहुत सारे शब्द बोले थे, उनमें से कोई अगर एक याद हो तो वो रख के बताओ. वैसे आगे एक जगह आती है जहां हम ये शब्द का अंतर बताते हैं. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम थोड़ा समय. हाँ, अच्छे से अनुवाद करने में हमें नोबेल प्राइज हासिल है. समय से थोड़ा थोड़ी या कम और टाइम में समय नहीं है. हमें अभी अभी आया ना, अभी आपके से अनुवाद कर दिया. अनुवाद करने में हमें गोल्ड मेडल मिला. कभी नहीं सुना किसी को बोलते आफ्टर सम टाइम. क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद, है ना? सुना है ना, आफ्टर सम टाइम. कई बार ऐसा भी सुना होगा, बिफोर सम टाइम, थोड़ी देर पहले. तो ये हो गया थोड़ी देर. अब वो जो दूसरा शब्द है, एक लेटर के अंतर से कितना अंतर इंग्लिश में होता है, ये अभी लिखना हो भी लिख लो, आगे तो हम लिखवाएंगे एक जगह और. अपना सेंटेंस सही करके सबसे रिपीट करा, और समटाइम्स कुछ शुरू में समटाइम्स.
देखो बच्चों, इन्होंने जो प्रपोजिशन लगाया वो बिल्कुल सही था, तो हमने कोई आपत्ति नहीं। कौन सा लगाया? तू। बिल्कुल सही। एक सेंटेंस हम बना। Sometimes I deny immediately. कभी कभी मैं फट से मैट जाती हूँ। यार अगर जबलपुर में फसल जाते हैं, नहीं किया हमने ये, नहीं सुने कभी अभी ऐसे में फट से मैट गई ना। नहीं सर, सर मैं कहीं आने जाने वाले से एक बताते हैं। सर ये इधर बगल वाले वो ना है। ओके, एक आधा शब्द जो हमने बताया था उसमें से कुछ याद आ रहा बच्चों? नहीं, एक कंजंक्शन कोई नया सा यूजुअली हो। इसमें एक रुपए का नहीं, नहीं चिल्लर हमारे पास है, हम वापस कर देंगे। तुम 10 का दोगे तो हम 9 वापस। दोस्तों एक खुशखबरी दे। यस सर। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं सर। कुछ कभी दिन के बाद एकदम गर्मी आ जाएगी। दूसरी स्पीच आ गई सर। क्या कल अभी और दूसरी स्पीच इस पे नहीं सिंपल। आपको सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का रूटीन बताना। उसने कितने खुशी से मुंडी हिलाई। ये आखिर की बात इसलिए है कि शी इज न्यू कैंडिडेट, लेकिन वो इतना प्रसन्न हो गई। हमने ये थोड़ी बोला कि कर लेंगे कि परसों दिन में। अभी नहीं, न्यू ईयर मनाने के बाद ये बता दिया है कि सेकंड स्पीच रूटीन पर आधारित है, तो तुम धीरे 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 अपना तैयारी कर लो। और जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वहां जाके प्रेजेंट सिंपल की स्पीच सुन ले, देख ले। और ऐसा नहीं है कि एकदम से, हम उसके बारे में भी थोड़ी डिटेलिंग देंगे, थोड़ा सा बताएंगे उसके बाद, लेकिन इस पर आधारित रहेगी। ये अभी बता दिया, उसमें वो कंजंक्शन काम में आएंगे जो हमने तुम लोग को लिखवाए हैं,
लेटर ऑन देयर आफ्टर मीनवाइल मीनवाइल इसमें काम में आएगा देन तो बीच बीच में कोई कोई से लगाते जाना लेटर ऑन देयर आफ्टर देन ऐसा करके प्रेजेंट सिंपल की अच्छी बड़ी स्पीच तैयार हो सकती सुबह बस क्रियाओं पर ध्यान देना होगा जिस तरह की मदद लेना पड़ेगी सबको अपना रूटीन पता तो रहता ही दिमाग में तो है ही बस उसमें इंग्लिश की क्रिया रखना है सब्जेक्ट आई सबको पूरा आई का ही बताने है अपनी ही बताना है मैं इतने बजे उठता हूँ फिर मैं ये करता हूँ उसके बाद मैं ये करता हूँ इसी बीच में पेपर पढ़ता हूँ है ना कुछ लोग चाय पीते समय पेपर पढ़ते हैं तो पूरा बताते जाना है मतलब एक मन में तैयार करते चलो ये बोल दिया अभी हमने जैसे पहली स्पीच बी चैप्टर पर आधारित थी बी प्रेजेंट उसमें एजेमार लगाना था इसमें एजेमार नहीं लगा हाँ जब जहाँ जरूरत है जब अपना नाम बताओगे तब तो ये सहमान लगाओगे हमने तुम लोग को ऐसा कहीं लिख के बताया था ये कॉन्ट्रैक्शन यूज करके yes, और वो इतने फास्ट बोलते हैं हैबिट के कारण जैसे अपन बल्कि वो ऐसा अगर हम लेते तो गलत नहीं होगा ये जो बोल रही है वो राज्यसभा लोकसभा वगैरह में केवल शपथ ग्रहण करते समय बोला जाता है सबसे पहले तो वहां पे वो सही है मैं ऐसा बोलते हैं ना आई हर्षिता देश देश ये शपथ लेता हूं कि मैं ब्ला 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 तो वहां पे बस इसको बोला जाता है राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति बोलते हैं पहला लेटर मैं हिंदी में मैं या आई और उसके बाद वो व्यक्ति अपना नाम लेता है जो भी शपथ ग्रहण कर रहा है और लिखा रहता है सामने पूरा बोलते चले अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज मिले तो तुम लोग तो एक्सपर्ट हो वीडियो कटिंग जानते हो उतना एक्सर तुम कट करके शेयर करो तो हम उसको सुन के बताएंगे कि इसमें क्या बोला गया और सबटाइटल अगर ऑन रहते हो तो नीचे सही लिखा हुआ आता वो बोले कुछ भी नीचे सही लिखा हुआ ये ठीक वैसे ही है बेटा जैसे हम लोग जबलपुरिया बोले चल ले अब कोई अमेरिकन सुने जिसने हिंदी सीखी है आके दिल्ली में तो वो बोले है फिर उसको पूरा बोलना पड़ेगा क्या आप चल रहे हैं तो बोलेगा ओ आई सी अब तुम उसको बोल लो चल तो कहां से समझ में आएगा उसको हाँ इधर आओ अब उसको बोलना पड़ेगा इधर आई है तब वो समझेगा तो ये हमारे साथ भी है तो ये हम जानबूझ के नहीं करते आदत में आ जाता है जनरली Arrange my wardrobe in 15 days. 15 days. आमतौर पर मैं अपनी अलमारी दो हफ्ते में जमाता हूँ. Generally हो गया. Usually हो गया.
समटाइम्स हो गया, एवरीबॉडी हो गया। तो बेटा आज स्कूल नहीं जाना है। So the class is over from my side. If you want to ask anything, you can ask. You can just leave. Thank you for coming. God bless you.